So is Technoroo one of the most controversial YouTuber in YouTube history? Let's talk about it. तो मैं अपनी बात करूँ तो बैक देन 2018 में मैं टेक्नोरोज़ को बहुत ज़्यादा देखता था, लाइक ऑलमोस्ट डेली सर डेली टेक न्यूज़ देखता था, सारी चीज़ें डेली जो भी वीडियोज़ आती थी नए नए फ़ोन्स की ऑलमोस्ट सारी वीडियो मैं देखता था 2018 में। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी मैं टेक न्यूज़ के नाम पर बस वही टेक न्यूज़ देखता हूँ जो कि मेनली मेरे इंटरेस्ट, लाइक GTA 5 जैसे कुछ ऐसा टाइटल रिलेटेड हो, इंटेल से रिलेटेड तो मैं वीडियो देखता हूँ, अदरवाइज़ आई यूजली इग्नोर टेक्नोरोज़ मोस्टली ऑल वीडियोज़। बट वाई, सो बैक देन 2018 में सारे टेक यूट्यूबर्स ऐसी वीडियो बनाते थे, लाइक सीरियस बातें होती थी, हेड टू हेड टॉकिंग, लाइक कैमरा हेड टू हेड बात होती थी। उस टाइम पर भी टेक बर्नर मोस्टली सबसे यूनिक कंटेंट था, मोस्टली सबसे यूनिक कंटेंट टेक बर्नर गए था। लेकिन अभी का देखा जाए तो अभी टेक इंडस्ट्री में, टेक यूट्यूब इंडस्ट्री में ऐसा कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा नहीं है। लाइक कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनका अभी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी वीडियोस लगती हैं, जैसे कि ट्रैक इन टेक, हाई प्रोडक्शन वीडियोस, नो डाउट बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्शन वीडियोस लगती हैं। सेकंड बात करूँ तो टेक बर्नर की वीडियो फिलहाल मैं इस वजह से नहीं देखता क्योंकि उसमें नॉर्मल टेक या फिर किसी फ़ोन की बात हो रही है, मैं वो इस वजह से देखता हूँ क्योंकि टेक बर्नर की वीडियो मेरे को एंटरटेनमेंट देती है। कोई और फ़ोन की वीडियो अगर मैंने किसी और सीरियस वाले यूट्यूबर की देख रखी है, फिर भी मैं चांसेस हैं कि टेक बर्नर की वीडियो देख लूँगा क्योंकि वीडियोस एंटरटेनिंग होती हैं, नो डाउट अबाउट इट। और 2018 की मैं बात करूँ तो सीन तभी कुछ ऐसा था कि MKBHD और क्या कहते हैं मिस्टर हुज़ द बॉस, ये तब मेरे को समझ में आते नहीं, तब मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा गंदी थी, मेरे को ज़्यादा कुछ समझ में आते नहीं थे इंग्लिश यूट्यूबर, उनका अमेरिकन एक्सेंट मेरे को समझ में नहीं आता था। लेकिन बाद में प्रैक्टिस करके 2 साल आराम से प्रैक्टिस करी, लेकिन अभी मेरे को सब अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आता है। हाँ, बात कर रहे थे टेक्नोरोज़ की, तो हाई क्वालिटी प्रोडक्शन की बात करूँ तो देखो कैमरा वैमरा क्वालिटी सब अच्छी है, वीडियो क्वालिटी सब अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट, बेस वीडियो से तो बहुत ज़्यादा लाखों गुना अच्छी है। लेकिन बस एक दिक्कत है, जो काम वो 2017-18 में 19 में कर रहे थे वही काम वो आज भी कर रहे हैं, लाइक ऑलमोस्ट सेम वीडियोज़ ही रहती हैं, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इस वजह से वो चीज़ अब थोड़ी सी ओल्ड फील होती है, ओल्ड फैशन फील होती है, इस वजह से मैंने अभी टेक्नोरोज़ को देखना छोड़ दिया है बिल्कुल। और अभी मेरे को इंग्लिश भी समझ में आती है तो मोस्टली मैं मिस्टर हुज़ द बॉस, टेक बर्नर, MKBHD, ज्ञान थेरेपी, ट्रैक इन टेक, इनकी वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करता हूँ, टेक्नोरोज़, टेक्निक गुरुजी, इनको थोड़ा छोड़कर। सर बहुत सारे लोग आए दिन यूट्यूबर्स को, पेड यूट्यूबर, चाइनीज़ ब्रांड्स का कुत्ता, ब्रांड्स का कुत्ता, ऐसा कुछ बोलते रहते हैं, तो ऐसी चीज़ कभी कभी, यूजुअली मोस्टली यूट्यूबर इसको इग्नोर ही करते हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। लाइक यूट्यूबर्स वो भी एक इंसान है, कब तक एक ट्रॉमा वो झेल सकते हैं। तो एक बार ऐसा टेक्नोरोज़ के साथ हुआ था, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी किसी फ़ोन के लिए कि चाइना का चमचा ऐसा कुछ करके लोग बहुत ज़्यादा बोलने लगे थे। तो इस बात पे रोहित भाई की थोड़ी सी खिसक गई और उन्होंने एक वीडियो बनाया जो कि एक्चुअल में मैं कह सकता हूँ कि हाँ बहुत बड़ा स्टेप था एक यूट्यूबर के लिए। तो ये बहुत बड़ा स्टेप क्या था यार, इस वीडियो में उन्होंने पूरी इंडियन टेक जो यूट्यूब पर चलता है उसकी पूरी चीज़ें खोल के रख दी, लाइक कैसे पेड प्रमोशन काम करते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, लाइक मेरे को अभी कोई ब्रांड है जिसको, लाइक कोई ब्रांड अगर मेरे को मेरे फ़ोन स्पॉन्सर कराना चाहती है, मेरे फ़ोन की वीडियो बनवाना चाहती है, तो इसके लिए बहुत सारी कंडीशन होती हैं। लाइक अगर फ़ोन में कुछ अच्छी चीज़ें हैं, डेफिनेटली अच्छी चीज़ों के साथ कुछ ना कुछ बुराइयाँ भी होंगी, तो मैं उन बुराइयों को नहीं बता सकता, मेरे को सिर्फ अच्छी चीज़ें हाईलाइट करके बतानी है, और जितनी भी बुराइयाँ हैं वो ऐसे दबानी है कि पता भी ना चले ऑडियंस को कि ये बात दब गई, और ये बात ऑडियंस को पता भी ना चले कि इस फ़ोन में एक्चुअल में ये कमी है। और अगर वो नहीं हुआ वैसा, मतलब नहीं हुआ तो ऐसा है कि शुरू में जब वीडियो आपकी पूरी बनके तैयार हो जाएगी, एडिट वेट सब हो जाएगी, तो आपको वो वीडियो भेजनी पड़ेगी कंपनी को, कंपनी उस वीडियो को देखेगी, रिव्यू करेगी और थम्स अप देती है तो आप उसे डेफिनेटली पब्लिक कर सकते हो। अगर थम्स अप नहीं आता है तो उस वीडियो को रीशूट करो या फिर रीएडिट करके जो पार्ट्स में आपने बुरा बोला है उनको एडिट करके वो बता देंगे कि ये हटा दो और वो आपको हटाने पड़ेंगे अगर आपको डेफिनेटली पैसे चाहिए तो। तो मनी गेम की बात करी जाए तो अगर आपको YouTube पर सर्वाइव करना है तो डेफ़िनेटली आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और YouTube AdSense, जैसा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते रहते हैं कि AdSense इतना पैसा नहीं देता, तो आपको ब्रांड डील्स भी लेनी पड़ेंगी, और अगर ब्रांड डील्स आपने लेनी है तो ये काम आपको करने पड़ेंगे। अगर आप ये नहीं करते हो तो डेफ़िनेटली आप पैसे नहीं कमा सकते, और कोई ब्रांड अगर आपसे बुरा मान गई
अगर आपकी उनसे नहीं बनती तो वो अगली बार से आपको स्पॉन्सर भी नहीं देंगे, वो स्पॉन्सर नहीं देंगे, फिर देखा देख एक दो ब्रांड क्योंकि सब ब्रांड होती है उनके भी स्पॉन्सर ख़त्म हो गए, और स्पॉन्सर उनके ख़त्म हो गए तो हो सकता है कि जो अपोजिट ब्रांड है या फिर जो दूसरी ब्रांड्स हैं वो भी देखा देख थोड़ा थोड़ा कम कर दे ये चीज़। तो डेफिनेटली आपको अगर पैसा कमाना है तो आप इनको इन ब्रांड्स का आपको समझना पड़ेगा, इनके हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है कभी कभी, और अगर आप नहीं मिलाते हो तो आप फिर पैसे नहीं कमा पाओगे, और पैसे नहीं कमा पाओगे तो अल्टीमेटली आपका घाटा है। आप वीडियो ऐसे नहीं, आपकी अगर लिविंग उसी चीज़ पर चल रही है तो आप फिर तो मेरे हिसाब से सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। देखो हो सकता है कि अभी YouTube के ऊपर बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर हों जो कि डेफिनेटली एक बहुत अच्छी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हों बिना कुछ पैसे लिए, या फिर सारी अच्छी या बुराई चीज़ें बुरी चीज़ें भी मेंशन करते हों, लेकिन मैं जिसको पर्सनली अभी देखता हूँ जो कि मेरे को पर्सनली पसंद देखा जाए तो अच्छा वीडियो लगती है मेरे को, बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और एट द सेम टाइम इन्फॉर्मेटिव भी होती है, तो वो लगता है मेरे को टेक्निकल सागर फिलहाल, क्योंकि टेक्निकल सागर की वीडियो मेरे हिसाब से तो बहुत कम ही स्पॉन्सर्ड होती हैं, और जो वीडियो स्पॉन्सर्ड होती हैं वो मोस्टली फ़ोन की नहीं होती, जितनी भी फ़ोन की वीडियो उनके चैनल पर डली है मेरे हिसाब से अभी जो रिसेंटली आती है एक दो साल में, वो सारी वीडियो के फ़ोन उन्होंने खुद खरीदे हैं और खुद खरीद के मार्केट से लाके, अब अच्छी चीज़ तो बता ही सकते हैं, तो इसमें कोई ब्रांड ऊपर से आपसे थोप नहीं सकती कि आपने ये फ़ोन लिया है तो ये बुरा नहीं बता सकते आप, तो आप उसमें बुरा भी बता सकते हो, और यही चीज़ मेरे को टेक्निकल सागर की बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मोस्टली वीडियो उनकी इन्फॉर्मेटिव होती है, लाइक कभी अलग अलग टॉपिक पर जो टॉपिक एक्चुअली कमेंट में लोग बोलते हैं वही टॉपिक पे वीडियोस होती है, तो वो चीज़ अच्छी भी लगती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो चैनल पे अनबॉक्सिंग करनी है, फिर वो रिपीटेटिव कंटेंट हो जाता और वो किसी को पसंद नहीं आता। लाइक ओपिनियंस लोगों को पसंद है लेकिन उतने ही। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आई थिंक ऑफ दीज यूट्यूबर्स। देखो लाइक कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जिनकी वीडियो देखने में एक्चुअल में मज़ा आता है, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया टैग बर्नर की वीडियो में डेफिनेटली मज़ा आता है, ज्ञान थेरेपी की वीडियो में मज़ा आता है, क्योंकि कुछ चीज़ें अलग होती हैं जैसे कैमरा कंपैरिजन होते हैं तो वो देखने में अच्छे लगते हैं, कुछ दो फोन्स के परफॉर्मेंस लाइक दोनों में सेम प्रोसेसर है सेम पावर के प्रोसेसर हैं उनके बीच में कंपैरिजन आ रहा है तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं देखने में, लेकिन कुछ आते हैं वही अनबॉक्सिंग करो हटाओ वही चीज़, अब क्या मज़ा आएगा उसमें। तो अब आप इन लोगों के बारे में क्या फील करते हो वो मेरे को कमेंट्स में बताओ, और मैं एक बहुत अच्छा सा जेन्युइन आंसर आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप नहीं देना चाहते तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, और मैं फिर भी बोलूँगा एक बार कि आप कमेंट पे एक बहुत अच्छा सा जेन्युइन क्वेश्चन मेरे को दें कि आपको कौन सा यूट्यूबर पसंद है, अगर आपको यूट्यूबर कोई पसंद है तो उसकी किस चीज़ की वजह से आपको वो पसंद है।